हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम प्राची. सो टुडे वी आर विद न्यू टॉपिक. आज हम एक न्यू चीज़ कवर अप करेंगे, न्यू टॉपिक हम कवर अप करेंगे स्टूडेंट्स. तो आपको क्या करना है, इसको भी अपना अपनी जो बुक्स हैं उसमें कर लेना है साथ साथ ही, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना, इसमें हम वेजिटेबल्स देखेंगे. वेजिटेबल्स क्या होते हैं बच्चों? सब्जियाँ. ठीक है ना, जो हम रोटी के साथ लेते हैं, चपाती के साथ लेते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, राइस के साथ लेते हैं. मतलब जो हमारा मेन फूड होता है, जो हम घर में खाते हैं. फ्रूट्स तो हम खाते ही खाते हैं, ठीक है ना. अब फ्रूट्स तो हम रो खा लेते हैं, मतलब कच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मोस्टली पक्की पकाते हैं हम इनको. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हम सैलड के रूप में भी सैलड के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, अनियन हो गया. ठीक है ना, तो अब हमें देखना है कि वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं. वेजिटेबल्स फॉर मी, वेजिटेबल्स मेरे लिए. ठीक है ना, तो क्या है कि आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी ना, आपको वैसे वैसे ही सुनना है, और फिर आपको उन वेजिटेबल्स को टिक करना है जो आप खाना आपको अच्छा लगता हो. ठीक है, वेजिटेबल्स फॉर मी, वेजिटेबल्स फॉर मी. ठीक है, आप स्टूडेंट्स हम देखते हैं, टिक द वेजिटेबल्स यू लाइक टू ईट. ठीक है, फिर अब क्या करना है, आपको उन वेजिटेबल्स को टिक करना है जो कि आपको खाने पसंद हैं. ठीक है, अब आपको जो खाने पसंद है, तो आपको सपोज अनियन पसंद है, तो आप उस पर टिक कर देंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इज अनियन. अनियन क्या होता है बच्चों? प्याज होता है. ठीक है, आप इसका देख घर में अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, आपने देखा हुआ होगा. ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, इसका कलर कैसा होता है, इसकी शेड भी अनियन कलर की, अनियन होती है इसकी शेड जो होती है ना. ठीक है, तो फिर अब क्या होता है, अनियन प्याज है. ठीक है, हर सब्जी में मोस्टली प्रोड्यूस मोस्टली जो है ना यूज़ होता है. ठीक है, और आपको इसके जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, इसे बहुत टेस्टी बन जाती हैं, बट सबको तो पसंद नहीं होता. अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको टिक कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कैबेज. ठीक है, कैबेज क्या होता है बच्चों? कैबेज भी आपने देखी हुई होगी, इसका कलर देखिए तो ग्रीनिश शेड है. ठीक है ना, अब कैबेज है. ठीक है ना, आपने देखी हुई होगी, आपके घर में भी बनी हुई होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है ना, तो आप क्या कीजिए, अपनी मदर से बोलिए कि आपको दिखा देंगे. ठीक है, इसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं, लेकिन आपने तो कट की शेप में देखी हुई होगी ना, लेकिन आपको क्या करना है, आपने इसको एज इट इज़ देखनी है. ठीक है ना, वो जो फुल होती है ना, कम्प्लीट होती है. ठीक है, इसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं. ठीक है, गोभी होती है. ठीक है, ब्रिंजल ये तो आपने देखा हुआ होगा. ठीक है ना, इसके ऊपर से ऐसे बनी हुई होती है, और नीचे ये पर्पल पर्पल कलर का होता है. ठीक है ना, वॉलेट कलर का होता है. ठीक है, तो मेनली वॉलेट कलर होता है इसका ब्रिंजल. ठीक है, ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन, बैंगनी कलर बोलते हैं इसको जो होता है ना. अगर आपको ये पसंद है तो आपको टिक करना है इसको, सिंपली यू लाइक इट देन यू कैन टिक इट. ओके, नेक्स्ट वन इज कुकुम्बर. कुकुम्बर क्या होता है, ये हम सैलड्स में भी यूज़ करते हैं, और सैलड्स में मोस्टली यूज़ करते हैं इसको. ठीक है, लेकिन क्या है कि ये खाने में भी अच्छा टेस्ट होता है इसका, और ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है हमारी बॉडी में. वाटर की जो कमी होती है वो हमारी बॉडी में पूरी हो जाती है इससे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पील करके इसके ऊपर वाले कवर को हम क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं. ठीक है, अब क्या है कि आप लोगों को खाना अच्छा लगता है, देन यू कैन टेक इट. ओके, नेक्स्ट वन इज पीस. पीस क्या होता है बच्चों? पीस होता है मटर. ठीक है ना, मटर बोलते हैं इसको हम. ठीक है, मटर क्या है, ग्रीनिश कलर के होते हैं, ये हर सब्जी में डल जाते हैं, मोस्टली हर सब्जी में हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे मटर पनीर बना लेते हैं. ठीक है ना, तो अब ये है ना कि आप किस किस में मटर का यूज़ करते हैं और आपको अच्छे लगते होंगे. ठीक है ना, तो मोस्टली जैसे चावल के साथ हम मटर डाल लेते हैं. ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक इट. नेक्स्ट वन इज टोमेटो. ये भी देख सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो यूज़ होते हैं ना वेजिटेबल्स में, जैसे अनियन और टोमेटो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मोस्टली हर सब्जी में या हर आइटम में, हर डिश में यूज़ हो जाते हैं. इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन टेक इट. टोमेटो मीन्स क्या होता है, टमाटर. ओके, अब नेक्स्ट वन इज़ क्या है, कैरेट. अब कैरेट तो है ही, अभी सर्दियों में मोस्टली आती है ये. ठीक है ना, अब कैरेट मीन्स क्या होता है बच्चों? गाजर, गाजर होती है, गाजर बोलते हैं हम इसको. ठीक है ना, तो आपको ये इनकी हिंदी मीनिंग ज़रूर बताऊँ. ठीक है ना, आपको स्पेलिंग्स लर्न आप कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप जितने मोस्टली स्पेलिंग्स लर्न करें, आपको बोलना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इन कैन, जैसे अनियन बोलते हैं हम, कैबेज बोलते हैं, टोमेटो बोलते हैं. ठीक है, आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए इसको, और आपको क्या करना है कि जो ये है, आप कलर कैसा होता है, आपको ये सब पता हूँ. ठीक है ना, और क्या कहते हैं, हम किस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अनियन का और टोमेटो का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है ना, और कॉलीफ्लावर आ जाता है. अब कॉलीफ्लावर क्या होता है बच्चों? देखिए, आपने ऊपर देखी होगी. ठीक है ना, गोभी देखी थी ना. ठीक
ठीक है, तो गोभी देखिए, तो गोभी से कुछ सिमिलर लगता है इसका, इसका देखो शेप जो होती है, ठीक है ना, ये कैसे लगती है आपको, इसकी और इसकी देख, कैबेज की और इसकी सेम सेम लगती है ना, बट ये क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं पत्ता गोभी, या पत्ते पत्ते होते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फूल गोभी, देखो फ्लावर के शेप में दिखते हैं, इसको हम फूल गोभी बोलते हैं इसमें, ठीक है, आपको इनकी हिंदी मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स को अच्छे से पता होंगे, सो आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो कि आप बच्चों को ये समझा दें, हिंदी मीनिंग्स तो एटलीस्ट हम उनको लर्न करा सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी ईजी चीज़ें हैं, जैसे हम घर में वर्ड यूज़ करते हैं, ये प्याज ला के देना मुझे कट करना है, ठीक है, आप बोल दीजिए अनियन ला दीजिए, ठीक है ना, वॉट इज़ दिस, ब्रिंजल बोलते हैं हम इसको, ठीक है, कुकुम्बर हो जाता है, ठीक है ना, तो बच्चे खा रहे हो तो उनसे पूछ लीजिए, मटर बोलते हैं हम तो उसको पीस बोल लेंगे, ठीक है, सब बच्चों का वोकैबुलरी बढ़ जाएगा और उनको वेजिटेबल नेम्स भी लाइक लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, इसको आप टिक कर देंगे जो आपको लाइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पीपल इन स्कूल, अब जो लोग स्कूल में होते हैं, ठीक है, अब स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे में लाइक फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट, हु डू यू सी इन स्कूल, आप स्कूल में क्या देखते हैं, हु डू यू सी इन द स्कूल, या स्कूल में आप किन किन पर्सन्स को देखते हैं, पीपल इन स्कूल की बात हो रही है, जो लोग होते हैं हमारे स्कूल में, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है, देखिए स्कूल में सब प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आप किसको देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ वॉचमैन, ये चौकीदार जो स्कूल के बाहर रहता है मोस्टली, ठीक है ना, जो एंट्रीज नोट करता है कि पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई आ रहा है बच्चा, ठीक है ना, लाइक बच्चों को अंदर तक कई बार छोड़ भी देते हैं, एंट्रीज भी नोट डाउन करते हैं, कि स्पेशली उनका क्या वर्क होता है, वो चौकीदारी करता है कि स्कूल में कोई अननोन व्यक्ति ना घुसाए, अननोन पर्सन ना आ जाए, ठीक है ना, पेरेंट्स आए जो, या फिर जिसका काम हो स्कूल से रिलेटेड वही आए, ठीक है ना, ये ना स्कूल की सेफ्टी के लिए ध्यान रखता है, ठीक है ना, वॉचमैन हो जाता है, ठीक है, फिर हम बोल देते हैं हेल्पर, जो हेल्प मदद करता है, ठीक है ना, हम इसे स्वीप कर रहे हैं, कुछ काम है ऐसे, ठीक है ना, तो फ्लोर गंदा हो जाता है कई बार, तो ये हेल्प कर रहे हैं स्वीपिंग में, ठीक है ना, साफ़ करने में इसको, ठीक है, तो हेल्प कर रहे हैं, हेल्पर हम इसको बोलेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे तो होते ही, आप जैसे स्कूल में तो अवेलेबल होंगे ना, लाइक आपके और फ्रेंड्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, तो हम चिल्ड्रन बोल देते हैं इनको, ठीक है, बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ड्राइवर, ड्राइवर है, ठीक है, अब ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइव करता है, आप जैसे बस से आते हैं, कैब से आते हैं, तो आपको ड्राइवर ही लेके जाता है ना, तो आपने देखा होगा स्कूल में जो ड्राइव करता है, ठीक है ना, कैब को या बस को, तो हम उन्हें ड्राइवर बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल, जो स्कूल के पूरा एडमिन को देखती हैं, ठीक है ना, स्कूल का सारा काम संभालती हैं, ठीक है, और जो सारा लाइक टीचर्स अपॉइंट करती हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं, आपके टाइम टेबल्स बनाती हैं, ठीक है ना, टीचर आपको क्या, टीचर का क्या वर्क होता है बच्चों, टीचर आपको पढ़ाती हैं, लेकिन जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल, ऐसे चलता कैसे है, ठीक है, जैसे आपके पापा इतना मनी अर्न करके आते हैं तो और अपना आपका घर चलता है, ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल स्कूल के सारे सिस्टम देखती हैं, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशंस वाले, पेरेंट्स को मैसेजेस भेजने हैं, स्कूल्स में बच्चों को मैसेजेस देने हैं, फंक्शंस कौन से रखने हैं, ठीक है ना, ये सारा ही डायरेक्शन जो टीचर्स को गाइड करते हैं वो प्रिंसिपल करते हैं। ओके, मैम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं। टीचर, अब टीचर क्या है, टीचर तो आपने देखा ही होगा, अध्यापक, ठीक है ना, तो अध्यापक भी हो सकते हैं, अध्यापिका भी हो सकती है, यहाँ पे टीचर भी दे रखी हैं आपको, लाइक अध्यापिका दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये आपको पढ़ाती हैं, तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, कि आपको ये जो आपने देखे हो वॉचमैन, सपोज आपने स्कूल में देखा है, हेल्पर देखा है, ड्राइवर देखा है, तो आप क्या करेंगे, इनको टिक कर दें, ठीक है, और जो आपने नहीं देखे, वैसे सब स्कूल्स में होते हैं, मैं आपको बता दूँ सब स्कूल्स में ये होते हैं, ठीक है ना, और सब पर्सन स्कूल में होते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सोचना है कैसे, ठीक है, अब हेल्पर है, यहाँ पे ऐसे मेल दिखा रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई लेडी भी हो सकती है जो ये काम कर रही हो, ठीक है ना, अब जैसे वॉचमैन है, वॉचमैन की बात हो रही है, ठीक है, तो वॉचमैन को तो आप ऐसे कि अब सपोज इनकी टीचर की बात हो रही है, टीचर आपका लाइक मेल भी तो हो सकता है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सोचना है कि आपने स्कूल में कहाँ देखा है, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये सब स्कूल में अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, और आपको क्या करना है, वर्कशीट्स करके रखनी है, ठीक है, साथ साथ आप कर लीजिएगा इनको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है मेनली, ठीक है, कि कौन कौन से वेजिटेबल्स हम खाते हैं, कौन कौन से हमको पसंद हैं, ठीक है ना, किन को कहते क्या है, इंग्लिश में प्रोनाउंस क्या करते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे आप, इनका हिंदी मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अपनी नॉलेज आप जितनी बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाइए, ठीक है, तो थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल बी मीटिंग टू